नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 उनकी लव लाइफ के लिए कैसा होगा। ये रीडिंग होगी सिर्फ आपके लव लाइफ के लिए, तो जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। जो सिंगल हैं, अगर मुझे लगता है कि कोई नया पार्टनर उनकी लाइफ में आने वाला है तो ही मैं आपको यहाँ पे मैसेज दे पाऊँगी, अदरवाइज़ ये जो रीडिंग है ये बेसिकली आपकी लव लाइफ की है, उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ। ऑल राइट, लेट्स सी मेष राशि की आपकी प्रेजेंट एनर्जीज जो हैं लव लाइफ की वो क्या हैं, क्योंकि अक्टूबर के कुछ दिन निकल गए हैं तो पहले देखते हैं कि अक्टूबर में क्या सब हो चुका है। ठीक है, ये वो एनर्जीज भी हैं जो कि शायद एक दो दिन में आपके साथ होंगी भी और हो चुकी हैं अक्टूबर में, वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट एनर्जी देख रहे हैं हम आपकी लव लाइफ की। स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। वी हैव एंजल ऑफ लव, स्ट्रेटजीज एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड हैप्पी फैमिली। सो मेष राशि, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी लविंग एनर्जी में रहे होंगे आप लोग। ठीक है, एंड विथ स्ट्रेटजी एंड कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं और मैरिज लाइफ में आपके काफ़ी अबंडेंस है, काफ़ी लविंग एनर्जी है अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद इतनी लविंग, इतनी कनेक्टेड नहीं रही थी, लेकिन आपने कुछ प्लान करके, आपने कुछ इनिशिएटिव लेकर के आपने उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, या आप में से 10% लोग अभी प्लान कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन किसी को कमिटमेंट भी दे रहा है। आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट अगर एक इशू था तो मुझे लग रहा है कि घर वालों को मनाना और उसके लिए प्लानिंग करना कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे लोगों को मनाया जाए, मे बी आप लोग इंटरकास्ट हों या कोई और इशू हो आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो फैमिली को किस तरह से इन्वॉल्व करना है उसकी भी प्लानिंग यहाँ पे हो रही है शायद मेष राशि। एंड डेफिनेटली जो लोग मैरिड हैं वो काफ़ी अच्छा वक्त एक दूसरे अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं एंड यहाँ रेनबो है, हैप्पी फैमिली है, तो मुझे लग रहा है कि फैमिली भी आपके रिलेशनशिप को अगर अभी तक नहीं मान रही थी तो अब मानेगी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप एक ट्रिप पे जा सकते हैं, लविंग एनर्जीज को कैच कर सकते हैं, वाइब्स को इनिशिएट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। नाउ देखते हैं फ्यूचर में अक्टूबर का जो महीना रिमेनिंग है, रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी। मेष राशि प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। एप्रिसिएशन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस ऑफकोर्स। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं और पॉजिटिव ही रहेंगी, बॉटम एनर्जी है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ की। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उन पे वर्क कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में और कुछ लोगों ने वर्क कर भी लिया है। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट को इस रिलेशनशिप में अप्रिशिएट करेंगे, लोग आप दोनों की जोड़ी को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एंड यस यहाँ पे आपको एक रेड कलर का रोज भी दिखेगा जो कि प्रपोजल का सिंबल होता है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, अगर सिंगल लोग हैं आप मेष राशि के तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आ रहा है और ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ये आपको ना केवल प्यार का प्रपोजल देने वाले हैं बल्कि मुझे लग रहा है ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और शादी का भी प्रपोजल वो आपके सामने रख सकते हैं मेष राशि। दैट्स वेरी पॉजिटिव। सो यहाँ पे नंबर्स है कुछ 49 ईयर्स के आप लोग हो सकते हैं, 14 या 5, 13 या 4 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 15 या 6 प्रोमिनेंट हो सकता है, 45 या 9 प्रोमिनेंट हो सकता है, 21 या 3 प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं वो आपके लिए किसी भी तरीके के, आपके मंथ हो सकता है बर्थ का या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, आपका मूलांक और जन्मांक हो सकता है, किसी भी तरीके से नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। नाउ देखते हैं मेष राशि लव लाइफ में अक्टूबर के महीने में और क्या सब इवेंट्स हो सकते हैं। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन पावर प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। थैंक यू।
थैंक यू सो मच. ऑल राइट, तो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स. सो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं मेष राशि, ठीक है. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंड होने वाली है और आपके पार्टनर आपको चूज करने वाले हैं, ठीक है. या फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो किसी पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. एक नई पार्टनरशिप, हेल्दी पार्टनरशिप मुझे दिख रही है. और अदरवाइज शादी भी एक तरह का पार्टनरशिप होता है, तो शादी के वाइब्स तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे. अगेन टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली. सो यस, यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है फैमिली से मिलने का, फैमिली को बताने का, फैमिली बनाने का. और वो इनिशिएटिव आपके पार्टनर या आप लेंगे अपने रिलेशनशिप में इस महीने के अंदर. बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है यहाँ पे. कोई व्यक्ति जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है रिश्ते को बना के रखने के लिए. नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है. रिश्ते को बना के रखने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी मेल एनर्जी है वो बहुत हार्डवर्क कर रही है, क्योंकि वो फीमेल एनर्जी को बहुत इंडिपेंडेंट देखता है. उन्हें लगता है कि पहले आप उनको आपके या फीमेल एनर्जी के एक मतलब लायक बनना पड़ेगा. तो वो पैसा कमाने में, पैसे के ऊपर रिश्ते को बना के रखने में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है. एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है मेल फीमेल की, लेकिन इस तरह का दिख रहा है कि एक पार्टनर दूसरे को काफ़ी अडोर कर रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहा है रिश्ते को बना के रखने में. फिर जैसा कि मैंने कहा, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे. सो कोई पार्टनरशिप हो रही है, या तो मैरिज की पार्टनरशिप हो रही है, या शायद आप दोनों एक साथ काम करते हैं उसमें आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ज़्यादा. थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप में से बाय चांस किसी का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो अब कम्युनिकेशन होगा. गेट टुगेदर भी होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं. सो और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप इस पार्टनर से या तो बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस मीटिंग में मिल सकते हैं, या किसी गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, ठीक है. यस, वैसे पता नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा मेष राशि कि आपका कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है. अगर नहीं भी था तो वो अक्टूबर की शुरुआत में ही सुलझ गया होगा डेफिनेटली. और देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि वालों की लव लाइफ में अक्टूबर 2021 में क्या सब होगा. प्लीज गाइड कीजिए. थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू. सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, अगेन टेन ऑफ कप्स. यहाँ कुछ फैमिली वाइब्स हैं गाइज, बहुत पॉजिटिव फैमिली वाइब्स हैं. फैमिली मान रही है, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ तो है फैमिली से रिलेटेड. वाओ, लवर्स भी आ गया यहाँ, और क्या चाहिए. ओके, सो यस, यहाँ सिक्स ऑफ रॉड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, शादी का प्रपोजल आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है. अब हो सकता है कि आप सिंगल हैं और ये शादी का प्रपोजल आपकी फैमिली लेके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है, यानी कि आपकी फैमिली जो है वो बैलेंस कर रही है आपकी एनर्जीज को. तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता जो है वो फैमिली लेके आ रही है. जो भी आपका अकेलापन था, जो भी आपका लोनलीनेस था, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स, कुछ नए इमोशंस आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं मेष राशि इस महीने. एंड विद दिस लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो भी रिलेशनशिप में है वो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक देंगे, एक दूसरे को हील करेंगे, आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको. सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है. अगर अभी तक पॉजिटिव नहीं थी तो अक्टूबर का महीना तो मेष राशि बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, ट्रस्ट मी. ऑल राइट, नाउ कुछ हैंडमेड कार्ड से भी देखते हैं कि और क्या सब हो सकता है इस महीने में. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि. ओके, वी हैव शेयर द लव. तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई
सेलिब्रेशन के थ्रू आप मिल रहे हैं, या आप कोई एंगेजमेंट हो रही है आपकी, कोई शेयर कर रहे हैं आप एक दूसरे से अपना लव, इक्वल गिव एंड टेक है। विजडम, सो हो सकता है आपके पार्टनर टीचर हो या काफ़ी मेच्योर पर्सन हो, ठीक है, 40 अबव हो, एंड ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली रिश्ते में कुछ मेच्योरिटी से रिश्तों को हैंडल करेंगे, विजडम से हैंडल करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष ड्रीम कम ट्रू, तो यस, ये जो पार्टनर आपको मिल रहे हैं ये आपकी काफ़ी लंबे समय से विश थी जो कि अब पूरी हो रही है। हार्ट अटैक, लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेशन, मुझे लग रहा है कि ये आप बिल्कुल इस चीज़ से निकल रहे हैं, हार्ट अटैक से और इस सब से, और एक न्यू लाइफ में एंटर हो रहे हैं। डार्केस्ट फियर, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डर हो कि पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं, ठीक है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर डिवाइन यूनिवर्स ने आपको उस पर्टिकुलर पार्ट तक अपनी लाइफ के पहुँचा दिया है, फाइनली आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जबकि आपकी विशेष जो है वो ट्रू होंगी मेष राशि, स्पेशली इन लव लाइफ। नाउ देखते हैं अक्टूबर आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, ठीक है, अक्टूबर की एंडिंग में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि, आउटकम क्या होगा इस लव रिलेशनशिप का अक्टूबर लास्ट तक। वी हैव टिकटॉक, सो डेफिनेटली किस्मत जो है वो आपकी तरफ है और उसने आपको मौका दिया है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आउटकम बहुत पॉजिटिव है, जो कुछ भी होगा वो बहुत अचानक से होगा और अचानक से आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। समय कम है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप कंप्लीट करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है वो इनिशिएटिव लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं अक्टूबर में। कि आपको भी शायद आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपको लगेगा कि 15 दिन में 20 दिन में क्या हो जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, समय भाग रहा है और इस काम को अक्टूबर में होना है, तो ये फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत फटाफट एनर्जीज चेंज हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, तो आप भी ना, आप भी रुकिए मत, आप भी अपने गोल्स को पॉज पे मत रखिए, समय के साथ भागिए, वही आपके लिए सही है। ऑलराइट, सो मेष राशि, यही आपके लिए रीडिंग आ रही है, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।